पाकिस्तान के 75 साल मैंने कायद को मुबारकबाद का खत लिखा था, आज उनका जवाब आया। अनवर मकसूद, 75 बरसों से तुम पाकिस्तान में हो, मैं तो मुश्किल से एक साल गुजार पाया। तुम लोग बहुत सीधे हो, इलेक्शन में पत्थरों को वोट देकर हीरे तलाश करते हो, हीरे तुम्हारी किस्मत में नहीं है। कितनी हुकूमतें आईं और चली गईं, तुम लोगों की हालत वही रही। कायद और इकबाल के पाकिस्तान से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दो। मैं समझ रहा था मशरकी पाकिस्तान के चले जाने के बाद तुम्हारी सरकार 14 अगस्त की छुट्टी हाफ डे की कर देगी, ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी एक नेमत है अनवर मकसूद, तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। माँ जब बच्चा पैदा करती है तो वो आज़ाद होता है, मगर जब वो जवान होता है तो तुम्हारी हुकूमतें उसको ग़ुलाम बना देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को समझा दो कि मकरूज बच्चे पैदा करके क्या फ़ायदा। आज पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। एक बात कहूँ, इन 75 बरसों में पहली मर्तबा पाकिस्तान से एक खुशी की खबर आई, पहली मर्तबा। अमेरिका, सऊदीया, यूएई, कतर, तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया। शायद इसके बाद तुम लोग अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाओ। सुना है कौमी तराने की मौसीकी नए सिरे से तरतीब दी जा रही है, वो तो बहुत अच्छी थी, क्यों बदल? डर लग रहा है कहीं तराना भी न बदल दे। अल्लाह करे आने वाले दिन जाने वालों की तरह ना हो। किस बात का जश्न अनवर? सिर्फ आज़ादी मुबारक। मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने कायद भी नहीं लिखा है। जीते रहो, मेरी तरफ से सारे पाकिस्तान को मुबारक कह देना। पाकिस्तान जिंदाबाद।